हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन किनुआ। वेट लॉस के लिए है ये, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो जो किनुआ मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है ये वाला ट्राई कलर किनुआ। तो इसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें मेयर करना है किनुआ को। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कटोरी और इसमें उसी के हिसाब से मैं एक कप मेयर कर लिया है। और जितना मैंने किनुआ लिया है उतना ही पानी इसके लिए चाहिए ताकि इसे हमें बॉईल करना है। तो सबसे पहले हमें किनुआ को वॉश करना है। तो 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, 2-3 बार पानी से, ताकि जो भी इसमें गंदगी है या एक्स्ट्रा है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 3 बार से अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे एक स्ट्रेनर में। किनवा में खूब सारी कैलोरी, फाइबर और प्रोटीन होता है, तो वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा है माना जाता है। तो इसे हमें लेना ज़रूरी है अगर आप अपने वेट को बैलेंस रखना चाहते हैं वेट को। तो वॉश करने के बाद इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जितना हमने किनवा लिया था उतना ही पानी लेना है और इसे हमें रखना है गैस पर और इसे हमें बॉईल करना है ताकि अच्छे से पक जाए। तो इसे बॉईल होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इतनी क्वांटिटी को ही 10 से 15 मिनट ये ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए किनुआ जो अच्छे से बॉईल हो गया, अच्छे से मैशी हो गया है। तो इसे हम गैस पर से हटा लेते हैं और लेंगे एक पैन। इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल 1 चम्मच के करीब और इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और ली है उड़द दाल और 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है चना दाल। तो ये बहुत ही छोटा सा चम्मच जो मैंने यूज़ किया है और 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने ली है मूंगफली, पीनट लिए हैं और साथ में डालेंगे ड्राइड रेड चिल्ली जो सूखी लाल मिर्च होती है, कुछ कड़ी पत्ते डाल देंगे और हरी मिर्च को कट करके डाला है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इन्हें हल्का सा सॉटे कर लेना है। तो 1 मिनट के लिए हमें पका लेना है इन सब चीज़ों को। तो जब ये अच्छे से इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ किनुआ को। कई तरह से बनाया जा सकता है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लेमन किनुआ की है। तो सारा किनुआ हम इसमें डालकर एक बार इसे पका लेंगे सब चीज़ों के साथ, ताकि ये इनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो 1 मिनट के लिए हमें पका लेंगे और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, मिक्स कर लेंगे और फिर हम डाल देंगे लेमन को। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लेमन लिया, उसे स्क्वीज़ कर लिया है इस तरह से। जितना आपको लेमन चाहिए उसके हिसाब से आप अपना टेस्ट रख सकते हैं। तो लेमन जूस डालने के बाद अब इसे एक बार मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हमारा किनुआ बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इस ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो किनुआ बनकर तैयार है, तो कर लेते हैं सर्व। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।